स्टूडेंट वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग मैथ सब्जेक्ट फॉर स्टैंडर्ड सेकेंड चैप्टर 10 एड अवर पॉइंट्स पार्ट 2। बच्चों आई होप प्रीवियस पार्ट का आपको गेम अच्छा लगा होगा, हेड एंड टेल्स का, है ना, और आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। फिर हमने देखा था स्नैक, है ना, नंबर, उस स्नेक पे क्या थे, नंबर्स थे, उसमें से ऐड कैसे करना है, मिसिंग नंबर को फाइंड कैसे करना है, वो भी देखा था। नाउ आगे के पार्ट में हम टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और वो पार्ट आपको आपके टेक्स्ट बुक में एंड नोटबुक में रिपीट करना है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों अभी सेकेंड पार्ट में देखेंगे टू एट अ टाइम, यानी वन टाइम में कोई भी टू चीज लेने के, वो क्या है वो आगे देखते हैं। अभी चिंटू एंड मिंटू वेंट शॉपिंग। चिंटू एंड मिंटू कहाँ पे जा रहे थे, गए थे शॉपिंग के लिए। दे बॉट सम थिंग्स, और उन्होंने थोड़ी बहुत चीजें खरीदी है। टू पे दे यूज द नोट्स एंड कॉइन, बट ओनली टू एट अ टाइम, है ना। उन्होंने बच्चों, चिंटू और मिंटू ने शॉपिंग की, उन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी हुई है और उन्होंने चीज़ें खरीदने के लिए ये नोट्स एंड कॉइन्स यूज़ किए हैं। पर जो भी चीज़ उन्होंने खरीदी है एट अ टाइम, उन्होंने दो ही नोट्स या दो ही कॉइन उन्होंने पे किए हैं, तो कैसे किए वो देखते हैं आगे। Out of these, which two can they use the buy the things below? है ना, ये नीचे दी गई चीज़ें इन्होंने दो दो कॉइन से या दो दो नोट से कैसे खरीदे वो देखते हैं। दे कैन यूज द सेम नोट और कॉइन मोर देन वन टाइम, वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि 20 है तो 22 टाइम्स यूज कर सकते हैं, है ना। अभी देखते हैं बच्चों, उन्होंने बुक ली है 10 रुपीज की, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया होगा। यस, टू टाइम्स 5 लेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। यस, यहाँ पे 5 के कॉइन्स है तो वो 2 टाइम्स लिए, है ना, 2 एट अ टाइम, है ना, यानी 1 टाइम में उन्होंने 2 5 के कॉइन्स लिए। यहाँ पे अभी आप बोल रहे होगे कि 10 रुपीज की नोट भी है, पर उनकी कंडीशन क्या है। यस, कि कोई भी जो भी कॉइन्स लिए हैं, नोट्स लिए हैं, वो 2 टाइम्स लिए हैं, है ना, इसलिए हमने ये कॉइन लिया। दैट मीन्स एक बुक खरीदने के लिए उन्होंने 5 के 2 कॉइन यूज किए हैं, है ना। अभी जैसे कि 20 रुपीज के भी नोट तो है ही, पर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 2 at 1 time, है ना, तो 10 10 के 2 नोट लिए और बैग खरीदा। अभी 40 के लिए हम क्या करेंगे। यस, हमारे पास कितनी है, 20 की नोट है ना बच्चों, तो 40 का ये फुटबॉल करने के लिए हमने 20 plus 20 यानि कितने 20 20 के 2 नोट्स ली, है ना। अभी 60 रुपीज का ये कुर्ता है, इसके लिए उन्होंने क्या किया होगा बच्चों। यस, 50 की नोट 1 ली होगी एंड सेकेंड 10 की नोट, तो 50 और 10 मिल के 60 हो गया। 50 और 10 मिल के 60 हो गया। यहाँ पे 20 plus 20 क्या दिया होगा, यहाँ पे 5 plus 5 के कॉइन्स लिए होंगे, है ना, और डॉल खरीदने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, 20 रुपीज़ की नोट एंड 5 रुपीज़ का कॉइन, तो 2 at a time हो गया। यस, है ना, 20 रुपीज़ की नोट और 5 रुपीज़ के कॉइन, तो एक टाइम में उन्होंने 2 कॉइन्स 2 नोट्स और 1 कॉइन 1 नोट ऐसे इस्तेमाल किया है चीजें खरीदने के लिए। गॉट इट बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ फास्ट यू कैन ऐड।
वेलो व्हाट आर यू डूइंग अक्का प्लीज हेल्प मी एंड वेलू नाम की लड़की है वो उसके दीदी को बोलती है कि मुझे ये नंबर्स ऐड करके दो तो वो एक ट्रिक बताती है ओ यू कैन ऐड दीज विदाउट राइटिंग आप ये चीज़ें दिमाग से भी ऐड कर सकते हो बच्चों है ना तो उसने उसके दीदी ने सिंपल थिंग्स उसको बताई Start from 7 and count 5 more and to make 12. है ना 7 के आगे 5 count किए तो वो 12 हो गया 12 के आगे और 3 count किए तो 15 हो गया है ना तो जब 3 digit हो बच्चों तब हमने क्या करना है Take any two numbers. है ना कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो जैसे कि 7 + 5 12 होता है 12 के अंदर 3 ऐड किया तो वी गेट 15 और अनदर मेथड भी है आई कैन ऑल्सो ऐड 7 and 3 फर्स्ट यस बच्चों आप 7 + 3 भी ऐड कर सकते हो 7 + 3 इज 10 एंड ऐड देन 5 तो 7 + 3 करके 10 किया 10 में 5 ऐड किया तो 15 हो जाता है राइट तो बच्चों ये हमने फास्ट एडिशन कैसे करना है ओरली वर्बली उसके बारे में देखा मैं आपको और भी एक टेक्निक बताती हूँ बच्चों आज अभी मैं नई टेक्निक आपको बताने वाली हूँ 0 to 10 ये तो आपको नंबर पता ही है ना तो अभी ये 0 to 10 के नंबर्स के हम फ्रेंड्स बना देते हैं क्या करना है फ्रेंड्स बना देना है ना जैसे कि 0 का फ्रेंड कौन है 0 to 10 में 0 का फ्रेंड कौन है 10 1 का फ्रेंड कौन है 9 है ना क्योंकि 1 + 9 ये क्या होता है 10 0 + 10 इज ऑल्सो 10 2 and 8 इज ऑल्सो 10 तो 2 का फ्रेंड कौन हुआ 8 एंड 3 का फ्रेंड 7 क्योंकि 3 + 7 ये 10 होता है 4 का फ्रेंड है 6 क्योंकि 4 + 6 और 10 होता है और 5 का फ्रेंड वो खुद ही है ना तो हमने फ्रेंड्स बना लिए बच्चों ये टेक्निक आपको फास्ट एडिशन के लिए बहुत ही काम में आएंगी पहले हम आप इतना जान लो कि 0 का फ्रेंड कौन है 10 1 का फ्रेंड कौन है यस 9 2 का फ्रेंड 8 3 का फ्रेंड 7 4 का फ्रेंड 6 एंड 5 का फ्रेंड खुद वही है गॉट इट बच्चों जैसे कि फास्ट कैलकुलेशन हमको दिमाग में लगाना है 0 + 10 ये क्या होता है 10 1 + 9 ये क्या होता है 10 2 + 8 ये क्या होता है 10 3 + 7 ये क्या होता है 10 4 + 6 ये क्या होता है 10 5 + 5 इज ऑल्सो 10 गॉट इट बच्चों आप उल्टा भी कर सकते हो जैसे कि आपने 0 + 10 किया तो यू गेट 10 10 + 0 किया तो भी आपको क्या मिलेगा 10 1 + 9 किया तो यू गेट एन आंसर 10 9 + 1 किया तो भी 10 आएगा है ना तो ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये टेक्निक यूज करनी है ओके बच्चों अभी ये देखो फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 4 + 2 + 6 है ना तो बच्चों 4 का फ्रेंड यहाँ पे कौन दिख रहा है 6 है ना तो वी कैन ऐड फास्टली 10 4 + 6 = 10 10 + 2 = 12 तो ये दिमाग से हम ऐड कर सकते हैं है ना तो फास्ट कैलकुलेशन होगा 4 4 का फ्रेंड
सिक्स, तो 10 हो गया और बचा क्या 10, 10 प्लस 2 इज 12। तो इसके लिए हमको ऐड करने की या लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 3 में से आप पहले कौन से भी दो नंबर से दो नंबर को ऐड कर सकते हो। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताई 4 प्लस 6 फ्रेंड्स निकाल के, अभी नेक्स्ट 4 प्लस 2 प्लस 6 इसको ऐड करना है। तो टेक एनी टू नंबर फर्स्ट, तो अगर आपने लिया 2 प्लस 6 8 और 8 प्लस 4 इज 12, तो भी 12 आंसर आया, तो भी 12 आंसर आया, है ना। अभी थर्ड मेथड क्या देखेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 6, तो बच्चों इसमें पहले इसमें हमने क्या किया 4 और 6 ले लिया, दूसरे इसमें 2 के साथ 6 ले लिया, राइट। अभी 2 और 4 पहले लेंगे, थर्ड मेथड में क्या करेंगे 2 और 4 यानी 6 और 6 प्लस 6 यानी 12। अल्टीमेटली हमको 12 ही आंसर आए, हमने मेथड 1 देखी, मेथड 2 देखी, मेथड 3 देखी, है ना। 3 डिजिट के विदाउट कैरी, है ना, विदाउट कैरी के सम हम ऐसे कर सकते हैं। पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट ऐड एनी टू नंबर, फर्स्ट ऐड एनी टू नंबर, है ना, वी गेट एन आंसर, ओके। नाउ ऐड थर्ड नंबर, नाउ ऐड थर्ड नंबर टू द एडिशन, गॉट इट बच्चों। चलो अभी सॉल्व करते हैं। यस, अभी आपको ये फटाफट से ऐड करते आएगा। यस बच्चों देखो, लुक एट हियर, 5 प्लस 5 और 7, तो 5 और 5 खुद का फ्रेंड है, दैट मींस इट 10, और 10 में 7 निकाला ऐड किया तो ये 17 हो गया। दूसरे इसमें देखो 6 और 4 क्या है फ्रेंड, तो इट मेक्स 10, 10 और 5 इज 15, तो यहाँ पे आपका आंसर आया 15। 9 का फ्रेंड है 1, 10, 10 प्लस 4 इज 14, है ना। 7 का फ्रेंड है 3, तो 10, 10 प्लस 8 इज 18, 8 का फ्रेंड है कौन है 2, तो 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13, गॉट इट बच्चों। और ये मैंने फ्रेंड्स मेथड से बता दिया, अब आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 प्लस 5 इज क्या होता है 12, 12 प्लस 5, 7 प्लस 5 ये 12 हो जाता है, प्लस 5 तो ये 17 हो गया, है ना। बच्चों मैंने पहले भी बोला, जब भी कौन से भी 3 नंबर्स को ऐड करना है, टेक एनी टू नंबर्स, ऐड इट, जो भी आंसर आया तो उसमें थर्ड नंबर ऐड करना है, गॉट इट, ओके। नाउ किलर लिजार्ड, किलर लिजार्ड के बारे में पढ़ेंगे। किलर लिजार्ड में क्या है, अ लिजार्ड मूव्स फ्रॉम वन होल टू अनदर, एज इट मूव्स इट ईट्स इंसेक्ट हिडन इन द होल, ये होल एक होल से दूसरे होल में जाती है, और जो होल में जाती है उसमें इंसेक्ट छुपे रहते हैं, उसको वो खा जाती है। द नंबर ऑफ इंसेक्ट इन ईच होल इज शोन, अभी ये होल में बच्चों हमको 5 दिख रहा है, ये होल में 9 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 8 है, 1 है, 2 है एंड 6 है, बराबर बच्चों। तो इतने नंबर्स ऑफ, यानी 0 है यानी यहाँ पे कोई इंसेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे 9 इंसेक्ट उसको खाने को मिले, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 8, 1, 6, 2, ओके, तो उस हिसाब से उन्हें इंसेक्ट खाए होंगे। द लिजार्ड कैन मूव ओनली अलोंग द लाइन, वो लाइन टू लाइन ही जाती है, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लू होल इन द पिक्चर, ब्लू होल से वो जाती है। द लिजार्ड गोज 3 होल्स एंड टू ईट
18 इंसेक्ट। उसने कितने इंसेक्ट खाए बच्चों? 18। कितने खाए हैं? 18, राइट। यहां से उसने स्टार्ट किया, फिर 18। दिस इज द पाथ ऑफ लिजार्ड टेक। तो बच्चों 18 यहाँ पे 8 है, 9 है, 9 का फ्रेंड क्या है? 1। तो 1 प्लस 9 इज 10 और 18, तो ये रो कंप्लीट हो गई। यानी यहाँ पे ये रो पे उसने 18 इंसेक्ट खाए है, राइट। व्हाट द पार्ट, अभी व्हाट द पार्ट द लिजार्ड टेक टू ईट इंसेक्ट? 12, है ना। 12 वाला इंसेक्ट, अरे 12 वाला पार्ट हमको फाइंड करना है। तो बच्चों चलो हम देखते हैं, ये पार्ट तो हो गया उसका, राइट। 12 वाला पार्ट करना है। यहाँ पे 5 प्लस 3 इज 8, 8 और 6 कितना होता है? 14, है ना। 14 उसको कितना चाहिए? 12 वाला पार्ट चाहिए। ओके, नाउ डू वन थिंग, यहाँ पे ये वाला पार्ट भी नहीं हो सकता है, 0 प्लस 1 भी नहीं हो सकता है। 0 प्लस 1 एंड 2 इज 3, है ना, नहीं हो सकता है। ये पार्ट हो गया है तो मुझे ये वाला पार्ट करना पड़ेगा। यस, अभी लीजा ने अगर ये वाला पार्ट चूज किया होगा, फॉर 12 इंसेक्ट के लिए ये वाला पार्ट चूज किया होगा, कैसे मैं बताती हूँ। 3 प्लस 1 क्या है? 4। 4 प्लस 8 क्या है? 4 प्लस 8 इज 12, है ना। दैट मीन्स पहले लिजार्ड ने ये इंसेक्ट खाया, फिर ये इंसेक्ट खाया, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 3, 8 एंड 1। 3 प्लस 1 इज 4 एंड 4 प्लस 8 इज 12। Got it? What the path can lizard take to eat 20 insect के लिए उसने कौन सा path choose किया होगा? Find out 20 insect के लिए कौन सा path choose किया होगा? Yes. तो बच्चों लिजार्ड है ना, कहाँ से 20 इंसेक्ट खाने के लिए उसने कहाँ से कौन सा पाथ लिया होगा पता है? 8 प्लस 3 कितना होता है? यस 11। एंड 11 प्लस 9 दैट मीन्स 20, है ना। और दूसरा पाथ कौन सा लिया होगा उसने पता है? 8 प्लस 9 17 17 प्लस 3 इज 20। एक तो वो यहाँ से यहाँ गई होगी, नहीं तो यहाँ से यहाँ गई होगी, और अदरवाइज 3 प्लस 8 कितना होता है? यस 11। 11 प्लस 9, एक तो वो यहाँ से यहाँ मूव हो गई होगी। गॉट इट बच्चों? नाउ मूव, दिस टाइम द लिजार्ड गोज 4 होल्स। अभी यहाँ, अभी तक तो वो 3 होल्स में जाके इंसेक्ट खाती थी, अभी 4 होल्स में गई, राइट बच्चों। तो 4 होल्स, कौन से 4 होल्स में जाके उसने 18 इंसेक्ट खाए होंगे? फाइंड आउट, चलो फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों देखो, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 6, है ना। 6 प्लस 3 कितना होता है? 9। 9 प्लस 8 कितना होगा? 17। 17 और प्लस 1 इज 18। तो वो मे बी यहाँ से यहाँ गई होगी, अदरवाइज वो 1 प्लस 8 9 9 प्लस 3 12 12 प्लस 6 18, ऐसे भी जा सकती है। गॉट इट? तो बच्चों आपको
फाइंड आउट करना है, दिस इज योर होमवर्क, कि 12 इंसेक्ट्स उसने कैसे खाए होंगे, फाइंड आउट एंड टेल मी द आंसर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है, राइट। और ये प्ले टाइम एक्टिविटी है, ये गेम आप खेल सकते हो, देख लेते हैं कैसे खेलना है। प्ले टाइम, समीना एंड सदीक आर नाउ प्लेइंग अनदर गेम ऑन द बोर्ड ऑफ हेड एंड टेल्स। बोर्ड हेड एंड टेल्स के ऊपर उन्होंने खेला। दे थ्रो टू डाइस डाल रहे थे। अभी आप कॉइन्स के जगह पे आप डाइस भी यूज कर सकते हो, पर इसके लिए आपको टू डाइस खेलने हैं, टू डाइस लेने हैं। एट द नंबर एंड टू गेट द पॉइंट्स। यू कैन प्ले दिस गेम थ्रू योर डाइस, थ्रो योर डाइस एंड राइट योर पॉइंट, सी हु इज द फर्स्ट रीच होम, है ना। आपने स्नेक एंड लेटर खेला होगा, उसमें भी वन डाइस यूज करके आप पॉइंट्स ऐड करते हैं, राइट, मूव करते हैं जैसे कैरी ऑन होता है, राइट। ये गेम में भी आपको बच्चों दो डाइस लेने हैं। अभी सपोज दो डाइस में ये सिक्स आया और ये फाइव आया, तो सिक्स प्लस फाइव दैट मीन्स इलेवन हो जाता है, तो इलेवन ये पॉइंट होगा, इलेवन के बाद ऐड करके जाना है। और वो हमने चार्ट देखा ना 1 to 100 का, तो उस हिसाब से मूव करना है, 100 तक पहुंचना है, राइट। प्ले दिस गेम, ट्राई दिस, है ना, कैसा लगा वो मुझे बताना। ओके, सो यहाँ पे है हमारा चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे और आज का जितना भी एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक में एंड टेक्स्ट बुक में करना है। ओके, बाय।